खबरीवा जिले से है, जहां बिछिया थाना क्षेत्र के कनौजा गांव से पशु क्रूरता का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप संचालक द्वारा पास के गांव से मवेशियों को लाया गया था, जहां गांव के लोगों द्वारा आपत्ति की गई और पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मौके पर बिछिया थाना प्रभारी, तहसीलदार और पुलिस बल पहुंच गया। गांव वालों को समझाइश देकर पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई करने की बात कही है। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी और गांव वालों का क्या कहना है। कब से जानवर यहाँ पे बंद करके रखे हैं, क्या है, क्या पूरी घटनाक्रम है, क्या पूरी घटना ऐसी है कि ये पेट्रोल पंप के संचालक जो है कमल फीलिंग के संचालक कमल किशोर जी के द्वारा जो है पिछले एक माह से पशुओं का परिवहन किया जा रहा है। पशुओं को ला करके ये यहीं पे छोड़ देते हैं अपने पेट्रोल टंकी के पास में, जिसमें ये 20-20 की संख्या में ट्राली में भर करके पशुओं को लाते हैं। और कहीं पेट्रोल टंकी में कई बार इन्होंने नहर के पास इन्होंने पशुओं को छोड़ा है और ये यही व्यापार करते हैं इसी तरह का जो है पशुओं का, अपने गाँव पे पैसा इकट्ठा करके और फिर यहाँ पर जो है पशुओं को छोड़ते हैं। और इन्होंने कल रात्रि पे जो है 100 की संख्या में इन्होंने पशुओं को 4-5 बार ला करके यहाँ पर ये छोड़े हैं, और जो कि सभी पशु यहाँ पर पीछे साइड में इनके एकत्रित हैं। इन्होंने सारी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं पशुओं को, हमको कैसे इसके अंदर रखना है, कैसे उतारना है, और ये बस अपना एक गेट खोल देते हैं, वहाँ से पशु पूरे गाँव की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व में भी क्या शिकायत की है आपने इसकी? नहीं, पूर्व में इसकी शिकायत नहीं हुई है, लेकिन सभी पशु इनके पेट्रोल टंकी के पास में रहते हैं और हर बार सभी ग्रामीणों को पता है, हर बार पशुओं की संख्या बढ़ रही है। हम लोग पूरी रात जो है तो खेती को अपनी ताकते हैं और हम लोगों ने कई बार पशुओं को बांधने का प्रयास भी किया, 10-20 पशु जब होते हैं, लेकिन हर बार जो है हर हफ्ते पशुओं की संख्या बढ़ती है। प्रशासन को सूचना दिए हैं जी? प्रशासन को कल शाम को सूचना दी गई थी पुलिस प्रशासन को, और 100 नंबर की गाड़ी को ही बताया गया था, जिसमें कल पुलिस प्रशासन शाम को आए थे और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज सुबह तक जो है इनके द्वारा सभी पशुओं को हटा दिया जाएगा। अभी कुल कितने जानवर होंगे अंदर? अभी 200 के लगभग जानवर हैं। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी 200 के लगभग जानवर हैं। हम लोग पेट्रोल टंकी के सामने आकर के हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि आप पशुओं को उचित व्यवस्था बनवाइए, लेकिन ये बार बार सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, और टाल मटोल करते करते ये 11:30 बज गई है और हम लोग बड़े सुबह 6 बजे से यहीं पर बैठे हुए हैं, और हम लोग पेट्रोल टंकी के सामने अपना प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण चल रहा है। और जब तक ये पशुओं की व्यवस्था प्रशासन और कमल फीलिंग स्टेशन के मालिक कमल किशोर जी के द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। प्रशासन से कोई बात हुई आपकी अभी तक? क्या कुछ पुलिस आई? प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जिससे हम बात कर सके, जबकि हमने सूचित सबको किया है। हमने यहाँ के जनपद सदस्य, हमने यहाँ के जिला पंचायत मेंबर, हमने यहाँ के विधायक जी को, सभी को सूचना दी है, थाने पे सूचना कल से है, लेकिन कोई प्रशासन के व्यक्ति अभी तक यहाँ पर आकर के बात नहीं किया। पुलिस आई है क्या यहाँ पर? पुलिस कल भी आई थी और पुलिस के कुछ लोग आज भी आए हैं। तो क्या कहना है उनका, पुलिस का क्या कहना है? अभी उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिसपे हम लोग किसी भी तरह से स्पष्ट रहे कि उनका कहना क्या। नाम है आपका? जी विपिन मिश्रा नाम है मेरा। जी हाँ, कनौजा गांव में प्रदर्शन हुआ है और इसमें मामला जहाँ तक सामने आया है कि पेट्रोल पंप के संचालक पास के गांव से कुछ मवेशी लेके आए थे और वो गौशाला में शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने बाड़ी में रखा हुआ था और गांव वालों को जानकारी लगी कि ये गांव में लाके छोड़ रहे हैं, उसी को लेके यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। तो क्या कुछ निर्णय हुआ यहाँ पर? इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं पेट्रोल पंप संचालक जो हैं कि आप दूसरे गांव से कैसे मवेशी बिना परमिशन के लाए हैं, तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी गांव वालों को समझा दिया है। ठीक। जानवरों को शिफ्ट करवा रहे हैं हम, नगर निगम का बहाना आ रहा है तो गौशाला में शिफ्ट करवा रहे हैं।